यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मेरे के बहुत ही धमाकेदार वीडियो। दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं GTA San Andreas गेम, जिसके अंदर हम सलमान खान बने हुए हैं। दोस्तों सलमान खान की इस गेम के अंदर एंट्री कैसे हुई थी उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस गेम प्ले में हम करने वाले एक बहुत ही खतरनाक वाला मिशन, जिसका नाम है भाई ब्लास्ट गैंग का सफाया। दोस्तों आप जानते होंगे ब्लास्ट गैंग कितनी खतरनाक वाली गैंग है इस गेम की, और हम उसका सफाया करने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान को स्पेशली इंडिया से लॉस सैंटोस में ब्लास्ट गैंग का सफाया करने के लिए बुलाया गया है। तो अभी हम जा रहे हैं एक बार में, जहाँ पे हमें हमारा इन्फॉर्मर मिलने वाला है, वो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा ब्लास्ट गैंग से रिलेटेड। ओ भाई गाड़ी चढ़ाएगा के ऊपर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बार के पास में, और यहाँ पे देखो कुछ मुस्टंडे भाई हाथ में गन लेके घूम रहे हैं। मतलब यार इस गेम के अंदर हर किसी के पास गन मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बार में, और यहां पे है हमारा वो इन्फॉर्मर, वो रहा। तो चलो दोस्तों मैं उसके पास जाता हूं और उससे कुछ बात कर लेता हूं, वो मेरे लिए क्या ही इन्फॉर्मेशन लेके आया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी बात हो चुकी है इन्फॉर्मर से, और उसने मुझे ये बताया है कि आज जो ब्लास्ट गैंग का सबसे बड़ा डॉन है उसके बाप की डेथ एनिवर्सरी है, तो शाम को वो कब्रिस्तान जाने वाला है। और दोस्तों इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं हो सकता उसका गेम बजाने का। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे घर पर, और यहाँ पर देखो कुछ गुंडों को मैंने बुला लिया है। ये है ग्रू गेम के मेम्बर, और ये आज हमारे साथ काम करेंगे ब्लास्ट गैंग का सफाया करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ग्रू गैंग और ब्लास्ट गैंग दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसीलिए ये लोग मेरा साथ देने, और वैसे भी ये लोग काफी अच्छे हैं। जो ग्रू गैंग का मेंबर है, सबसे बड़ा हेड है, उससे मेरी काफी अच्छी जानकारी है, इसी वजह से ये लोग मेरे दोस्त बन गए हैं, और आज के इस मिशन में ये मेरा साथ देने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो मैं अकेला भी जा सकता था उस डॉन को मारने के लिए, लेकिन यार उसके साथ ना हमेशा हर वक्त 10-15 लोग रहते हैं, और मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता कि वो बंदा मेरे हाथों से बच के भाग जाए आज। तो वो बस बच के नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं भी अपनी एक गैंग बना के जा रहा हूं। हम गैंग में ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही बंदे, और हमारी गाड़ी तो देखो यार पोलो की कार में गैंग बना के जा रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहे भाई किसी भी एंगल से गैंगस्टर टाइप के हम, लेकिन फिर भी भाई मैं तो पुलिस वाला हूं और ये लोग गुंडे हैं। देखो आज पुलिस और गुंडे मिलकर क्या ही धमाल करते हैं दोस्तों, बड़ा ही मजा आने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ब्लास्ट गैंग का डॉन है उसे हम सिर्फ आज कब्रिस्तान में ही मार सकते हैं, उसके इलाके में जाके नहीं मार सकते, क्योंकि भाई उसका इलाके में इतने बंदे हैं ना, उनको मार पाना मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन सा है। काफ़ी ज़्यादा मेंबर हैं उसके गैंग के अंदर, और उन सब के सामने उसे मार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो दोस्तों हम फटाक से पहुँच चुके हैं कब्रिस्तान के पास में, और ये देखो यही हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी। ओ भाई अपने छोटा छतरी को देखो कैसे हाथ में गन लेके उतरा है, मतलब यार ये लोग तो ना फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है, हाथ में गन लेके आए हैं। और ये देखो फटाक से इन्होंने दीवार भी फांद दी है, तो दोस्तों हमें भी ये दीवार फांद के अंदर जाना होगा, क्योंकि सामने का जो मेन रास्ता है उधर से हम अंदर नहीं जा सकते। मेन गेट पर यहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई है उसी डॉन की। जी हाँ दोस्तों, उस डॉन के जो गैंग मेम्बर है वो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, और भाई तगड़ा पहरा दे रहे हैं वो लोग, बाहर के किसी आदमी को इस कब्रिस्तान में नहीं आने दे रहे, इसलिए तो मैं कह रहा था भाई बहुत ही खतरनाक सीन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसे मारने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ के देखा काफ़ी लोग पहले से आ चुके हैं उस डॉन के, और उसके साथ कुछ और आएंगे, तो भाई प्लान तो बनाना पड़ेगा कि हम 4 लोग हैं कैसे मारेंगे यार इतने सारे लोगों को। और ये लो दोस्तों वो डॉन आ भी चुका है, भाई ये क्या, ये तो वरना में आया है। कोई नहीं भाई, यहाँ पे देखो कितने सारे लोग दिख रहे हैं इसकी टीम के, और ये डॉन देखो भाई कैसे चल रहा है, क्या ही बात है दोस्तों। तो अब हमने स्ट्रेटजी बना ली है, और अब हमें उन पे अटैक करना है, तो चलो दोस्तों जल्दी से चलो और दुश्मनों पे टूट पड़ो। दोस्तों हमने यहाँ पे गन ले ली है, और हमारा एक मेंबर तो पहले से चला गया है फाइट करने के लिए, और ये देखो वो कर भी रहा है फाइट, और ये लो हमने भी फाइट स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये हमारी बाकी के टीम मेंबर क्या कर रहे हैं भाई, पता नहीं उन्हें फाइट नहीं करनी क्या। अबे जल्दी आ जाओ, हमें दुश्मनों को मारना होगा। यहाँ पे देखो कितने सारे दुश्मन हैं, और ये देखो मेरा टीम का मेंबर कैसे गोलियां चला रहा है। भाई मरा तो नहीं किससे वो बंदा, पता नहीं यार दोस्तों इनकी गोलियां भी असली है या नकली है पता नहीं यार, ऐसे आ गए मेरे साथ, मुझे मारना पड़ रहा है किसी को। ये देखो इसे भी मैंने ही मारा है, ये बंदे पता नहीं कर ही क्या रहे हैं। और ये देखो ये तो खतरी है भाई, ये सबसे पहले चला गया था, और ये तो जब गाड़ी से उतरा था तभी गन हाथ में लेके उतरा था। ओ ये रहा दोस्तों वो जो ब्लास्ट गैंग का डॉन है सबसे बड़ा, वो रहा दोस्तों, ये जो भाग रहा है ना ये वो ब्लास्ट गैंग का डॉन, और ये अभी हमें देख के भाग रहा है भाई। अबे भाग नहीं, हम इसे भागने नहीं देंगे दोस्तों, हम इसे यहीं मार देंगे। ओ भाई बच गया, नहीं बचा दोस्तों, फाइनली हमने उसे मार दिया है, मतलब हमने ब्लास्ट गैंग के डॉन को मार दिया, और ये कुछ और मेंबर बचे हैं उसके,
इन्हें भी मारना होगा। ये लोग, अच्छा ये लोग बाहर गाड़ी में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, जैसे इनको पता चला कि इनका ड्रोन मारा गया, ये भी हम पे अटैक कर दिया है, तो दोस्तों हमने इन्हें भी मार दिया और यहाँ पे हर किसी को हमने मार दिया है। जो भी ब्लास्ट गैंग का मेंबर था सबके सब मर चुके हैं दोस्तों। अब हमने ब्लास्ट गैंग के ड्रोन को मार दिया है, तो अब हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा, क्योंकि दोस्तों ये इलाका ना ही तो ब्लास्ट गैंग का है और ना ही हमारा है दोस्तों, ये अलग ही इलाका है। तो यहाँ पर हमने इतनी तोड़फोड़ मचा दी। ओ भाई एक कार है क्या दोस्तों, हम चार लोग आए थे उनमें से एक मारा गया यार, बहुत ही दुख की बात है। और अब पुलिस भी हमारे पीछे पड़ गई, पता नहीं हम भी जिंदा बचेंगे या नहीं। दोस्तों ये एक अलग ही इलाका है, यहाँ की पुलिस को कुछ नहीं पता है, ना ही तो हमारे बारे में, ना ही ब्लास्ट गैंग के बारे में, और शायद ये ब्लास्ट गैंग से मिली हुई हो सकती है भाई, तभी ये हमारे ऊपर हमला कर रही है। ये देखो ये पुलिस वाले भाई हमारे पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ से किसी ना किसी तरीके से बच के भागना होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यार, अंधेरा हो चुका है, शाम हो चुकी है, और अब हमें ठीक से रोड भी दिखाई नहीं दे रही है। और फाइनली दोस्तों जैसे तैसे करके हम हमारे घर के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हो ये पुलिस वाले भाई यहाँ तक हमारे पीछे आ गए हैं, मतलब ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये लो दोस्तों हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों जैसे ही मिशन कंप्लीट हुआ यार, पुलिस वाले स्टार्स भी हट चुके हैं, क्रिमिनल स्टार हट चुके हैं हमारे ऊपर से, और अब ये पुलिस वाले भी हमें कुछ नहीं करने वाले दोस्तों। फाइनली हमने ब्लास्ट गैंग के डॉन को मार दिया है, ये सच में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए। पार्टी तो बनती है दोस्तों इस सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन यार क्या करें, हमारे एक टीम का बंदा साथी मारा गया इस फाइट में, इस वजह से हमें दुख भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमने भाई जो पार्टी करनी थी वो कैंसिल कर दी है, और अभी शाम हो चुकी है, तो अभी मैं जाके सो रहा हूँ और आप सबसे सुबह मिलता हूँ। ओ भाई ये क्या सीन चल रहा है, सुबह सुबह सारे पुलिस वाले मेरे घर के बाहर क्या ही कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे इनकी कुछ जली हुई गाड़ियाँ भी है, लगता है इनके ऊपर किसी ने बुरे तरीके से हमला किया है। और ये देखो पुलिस वाला कैसे गाड़ी के ऊपर खड़ा है दोस्तों, मैं इनसे पूछता हूँ ये यहाँ क्यों आए हैं। तो दोस्तों मैंने पुलिस वालों से पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है, भाई बहुत ही बड़ा कबाड़ा हो गया है। कल हमने जो ब्लास्ट गैंग के डॉन को मारा था, तो उसके गैंग मेंबर जो बचे हुए थे उन्होंने भाई कल पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया रात को, और भाई वहाँ पे आग लगा दी है पूरे पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे जितने पुलिस वाले थे उनमें से कुछ मारे गए और कुछ भाग कर मेरे घर पर आ गए। तो बस दोस्तों यही सीन है, और ये है वो ब्लास्ट गैंग का इलाका जहाँ पे भाई ब्लास्ट गैंग के मेंबर है बहुत सारे। तो दोस्तों अब हमें इन्हें भी सबक सिखाना होगा। दोस्तों आपको पता है कल जो गोलियाँ मुझे लगी थी उनकी वजह से मैं रात को बेहोश हो गया था, और भाई मुझे पता भी नहीं चला, वो पुलिस वाले रात से ही मेरे घर के बाहर आवाज़ें लगा रहे थे, और उनके पीछे जो गुंडे आए थे तो वहाँ पे भी फाइट हुई थी मेरे घर के बाहर, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया क्योंकि भाई मैं बेहोशी की हालत में था। जब सुबह मुझे होश आया और घर के बाहर आया तो भाई पुलिस वालों की हालत ख़राब हो रखी थी। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ एमोनेशन पे, और यहाँ से मैंने अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट ले लिया है, और कुछ गन्स ले लिए, अपग्रेडेड गन्स ले लिए, मशीन गन टाइप की, और ये रही हमारी कार। और अभी आप लोग सोच सकते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, जी हाँ दोस्तों मैं जा रहा हूँ ब्लास्ट गैंग के इलाके में, और वहाँ जाके उस ब्लास्ट गैंग के मेंबर जितने भी हैं, जितने भी उस गैंग के लोग हैं, उन सबको मारने के लिए। दोस्तों ब्लास्ट गैंग के इलाके में जाके उनके ऊपर हमला करना बहुत ही बड़ी रिस्क की बात है, लेकिन हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि यार ये सारा रायता हमारी वजह से फैला है, हमारी वजह से कितने ही पुलिस वालों की जान चली गई, हमें उन सब का बदला तो लेना होगा। तो दोस्तों मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा है, बस मैं आ चुका हूँ ब्लास्ट गैंग के इलाके में, और यहाँ पर भाई जहाँ भी मुझे अब ब्लास्ट गैंग के मेम्बर देखेंगे मैं उन्हें मार दूंगा, क्योंकि भाई मैं आज एक भी ब्लास्ट गैंग के बंदे को नहीं छोड़ने वाला। ब्लास्ट गैंग में जितने भी लोग हैं सबको मैं मार के जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा है, लगता है सब लोग अपने डॉन के मरने का शौक मना रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं घूम रहा, वरना रोजाना यहाँ पे 10-15 लोग घूमते मिल ही जाते हैं, लेकिन भाई कोई भी मिलेगा ना तो मैं उसके गैंग बचा दूंगा यहीं पे। तो ये रहे दोस्तों सामने की तरफ कुछ लोग हैं, मैं अभी जाता हूँ और उनकी गैंग बचाता हूँ। ये लो अबे क्या चक्कर है दोस्तों, हमने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है फिर भी ये हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। अबे आ गया भाई हमला करने के लिए, रुक जाओ मुझे यही तो चाहिए था। ये ले एक को, तो भाई मैंने गाड़ी से ही लिटा दिया यहाँ पे, और अब मैं ले रहा हूँ अपने लिए एक शानदार सी गन, भाई शॉर्ट गन ले लेते हैं इनके लिए। शॉर्ट गन से पास में ना काफ़ी मस्त निशाना लगता है, और बंदे के कुछ भी नहीं बचते, मतलब चीथड़े उड़ जाते। भाई आ जाओ, अबे फाइट करो मेरे से, फाइट क्यों नहीं कर रहे। ये लो दोस्तों हमने दो बंदों को तो मार दिया, और ये लो भाई यहाँ पर हमने फाइट स्टार्ट कर दिया है, और अब बस गैंग के मेंबर आने वाले होंगे दोस्तों। जैसे ये मरेंगे यहाँ पे और लोग आ जाएंगे। ये लो दोस्तों यहाँ पे हाई अलर्ट जारी हो चुका है हमें मारने के लिए, चारों तरफ से अब गुंडे आने वाले हैं। ये देखो भाई अब आने लगे हैं गैंग के मेंबर जितने भी थे, लेकिन कोई नहीं हम इन सबको मार देंगे। ये लो आ जाओ आ जाओ दोस्तों, मुझे लगता है हमें मशीन गन ले लेनी चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं। लेकिन ओ भाई मोटे ये ले, इसके तो सिर ही सिर में गोलियाँ मारूंगा मैं भाई।
ओ भाई मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, ये तो देखो मैं हवा के अंदर खड़ा हूँ भाई। अभी मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इन्होंने हमारे बंदों को मारा है, पुलिस वाले लोगों को मारा है, इन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला किया है। अब तो तुम, ओ भाई ये कौन है? अबे रुक जा, अबे मुझे खड़ा तो होने दे भाई। ये तो भाई मुझे तगड़े तरीके से पहल रहा है, मतलब ओ भाई रुक भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक बंदा लग रहा है भाई। लगता है सारा दुख इसी को है अपने डॉन के मरने का। ये ले रुक जा, तुझे भी अभी तेरे डॉन के पास पहुंचाता हूँ। ओ भाई गोली मार ले मुझे, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है लेकिन भाई इसने बेट से मुझे भाई जड़ दिया है बुरी तरीके से। ओ भाई खतरनाक था, इसे हमने किसी ना किसी तरीके से तो चलो मार दिया फाइनली, और अब हमने इसका बैट भी ले लिया। हम भी यार इस बैट से मार के देखेंगे यार, तगड़ी लगती है यार इसकी चोट तो। मैं कहाँ सेलेक्ट तो करने दो, ये रहा, अब आ जाओ भाई। मैं भी छपरी बन चुका हूँ डॉन गुंडा लोगों के बीच में आके, और वो देखो किधर गोली चला रहा है। अभी दारू पी रखी है तुमने, नशे में है क्या? ये ले यार, इससे हमसे तो मारा ही नहीं जा रहा दोस्तों, मेरे पे तो नहीं मारा जा रहा यार इससे। मुझे गन ही ले लेनी चाहिए क्योंकि भाई ये सब इन गुंडे लोगों के हथियार है, ये हमें नहीं चलाने आते। हम पुलिस वाले हैं तो भाई पुलिस वाले हथियार चलाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे वापस से शॉटगन ले लिया है, और आ जा पहले तो तू जा, ये लो दोस्तों शॉटगन का ये शानदार तरीका है। अगर एक पड़ जाती है ना सामने वाले के, फिर नहीं उठता भाई सामने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इस गाड़ी को छोड़ देते हैं ताकि ये तीनों को तीनों लोग मारे जाएं। लेकिन रुक जाओ अभी यार, क्या है दोस्तों, हमने गाड़ी में आग लगा दी है और अब गाड़ी को ब्लास्ट कर देंगे, वो बंदा अपने आप उड़ जाएगा, शानदार सीन लगेगा। ये क्या बात है दोस्तों, हमने पूरी की पूरी गाड़ी फोड़ दी है। ओ भाई लेकिन हमने हमारी गाड़ी फोड़ दी है, चलो कोई नहीं यार, हम यहाँ से जिंदा बच के जाएंगे या नहीं मैं खुद ये नहीं जानता, लेकिन भाई अब मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। जो हमने वो पहन रखा था बुलेट प्रूफ जैकेट भाई, वो भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अब हमें बच के रहना होगा, इसीलिए भाई मैंने मशीन गन ले ली है क्योंकि अब मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। ये सामने बंदा है, ये गया भाई। मशीन गन तो मुझे पहले ले लेनी चाहिए थी यार, ये इतनी खतरनाक होती है भाई, मुझे पता भी नहीं था। ये देखो क्या शानदार तरीके से हम सामने वालों को मार रहे हैं भाई, मुझे पता नहीं था, वरना मैं आते ही सबसे पहले मशीन गन ही निकालता। लेकिन भाई अब तो अभी भी देर नहीं हुई है, हम जीत सकते हैं भाई। कितने मेंबर और बचे? ये लो दोस्तों हमने मार दिया है, दोस्तों हमने फाइनली जितने भी मेंबर थे ब्लास्ट गैंग के उन सबको मार दिया है। क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोगों को तो हमने वहाँ कब्रिस्तान में ही मार दिया था, बस इतने ही मेंबर हैं इस ब्लास्ट गैंग के यहाँ पर। तो जितने भी थे इस इलाके में वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, और इनसे पहले भी हमने काफ़ी को मार दिया था कब्रिस्तान में। ले देखे कुछ और बचे होंगे जो कि इस सिटी से बाहर गए हुए होंगे, वो जब भी आएंगे हम उन्हें तभी मार देंगे। तो दोस्तों फाइनली ये इलाका ब्लास्ट गैंग से हमने फ्री करा लिया है, और अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे अब जब भी कोई ब्लास्ट गैंग के लोग आएंगे हम उन्हें मार देंगे। यहाँ पे अभी हमारे ग्रू गैंग के मेंबर आ चुके हैं, ये देखो ग्रीन जैकेट में जो भी लोग होते हैं वो हमेशा ग्रू गैंग के यानी कि हमारी गैंग के होते हैं, और जो ब्लास्ट गैंग के लोग थे वो हमेशा बैंगनी कलर की यानी कि वॉयलेट कलर की टी शर्ट पहनते थे। यही पहचान है इन दोनों गैंग्स के मेंबर्स की। सो फाइनली दोस्तों ये जो ब्लास्ट गैंग का इलाका था ये पूरी तरीके से फ्री हो चुका है ब्लास्ट गैंग से, क्योंकि यहाँ पे अब ग्रू गैंग का राज चलेगा। तो अब यहाँ पे कोई भी ब्लास्ट गैंग का मेंबर आपको कभी दिखाई नहीं देगा। वैसे भी हमने ब्लास्ट गैंग के डॉन को मार दिया है, और उसके बाद में जितने भी मेंबर थे ब्लास्ट गैंग के उन सबको मार दिया है, कोई एक आधा बचा हुआ होगा उसे भी हम मार ही देंगे। तो दोस्तों अभी ये इलाका बिल्कुल शांत रहने वाला है। ओ भाई ये क्या? तो दोस्तों ये देखो, आप मैं कह रहा था एक आधा बंदा बचा होगा मुश्किल से, ये बंदा बचा हुआ है, ये घर के अंदर ही था, ये बाहर नहीं आया, अब बाहर आ रहा है, तो हम अभी मार देते हैं। ये लो दोस्तों हमने इसे मार दिया है, और अब जाके ये मिशन कंप्लीट हुआ है। दोस्तों मैं यही सोच रहा था इतनी देर से मिशन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, ये बंदा बचा हुआ था, अब हमने इसे भी मार दिया, मतलब अब ब्लास्ट गैंग का कोई भी नामो निशान नहीं बचा है। तो फाइनली दोस्तों हमें जिस मिशन के लिए इस गेम में बुलाया गया था, मतलब सलमान खान को ब्लास्ट गैंग का सफाया करने के लिए स्पेशली बुलाया गया था, सलमान खान ने कर दिया है। अब आगे की सीरीज में सलमान खान आपको देखने के लिए शायद इस गेम में नहीं मिले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।